फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों से कोकू ने अपनी कोई भी नई वेब सीरीज को रिलीज़ नहीं किया है क्योंकि कोकू अपने नए अपडेट्स कर रहा था और अभी कुछ ही देर पहले कोकू ने अपनी नई वेब सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है जिसका नाम रानी का राजा है। तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ट्रेलर को देखकर इस बार कहानी को समझ पाना थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहानी के बारे में बता देता हूँ। राजा रानी के नाम से यह तो पक्का है कि सीरीज में एक राजा होगा और एक होगी उसकी रानी। सीरीज की कहानी इस बार थोड़ी अलग लेकर के आया है कोकू। कहानी एक परिवार की होती है जिसमें लड़का एक कोठे वाली लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने घर की बहू बना लेता है, जिसके बाद वो सभी कामों के लिए पैसे लेती रहती है उससे, यानी कि घर के जो भी काम करती है उसके बदले में वह पैसे मांगती रहती है। इस वेब सीरीज की कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जिसमें सभी अलग अलग रोल निभा रहे हैं। कोई बिजनेसमैन होता है तो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, तो कोई घर की महिलाएं सर्विस वाली होती है, कोई कोठे वाली होती है, तो कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। यह वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आप सभी को वो वाले सीन भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ में कोठे वाली लड़की अपने पति की बहन के साथ रोमांस करते हुए दिखाई भी देगी, तो कभी वो लड़की अपने ससुर के साथ भी रोमांस करते हुए दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर को देखते हुए यही लग रहा है कि कोकू आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा। आप जो चाहते हो आपके लिए वो सब इस सीरीज में दिखाया जाएगा। रानी का राजा वेब सीरीज को 15 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसे कोकू द्वारा रिलीज किया जाएगा। रानी और राजा की जोड़ी का मजा जरूर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वेब सीरीज कौन सी और कैसी पसंद है, जिसके ऊपर हम आपके लिए वीडियोज लेके आते रहें। थैंक यू।